शरद, सबसे पहले आप हमें अपने परिवार के बारे में बताइए, बताइए कि आप कहाँ के हैं। मेरी फैमिली कैलकटा में है। माई मदर, माई फादर, माई टू ब्रदर्स, माई ब्रदर्स वाइफ, मेरे ब्रदर का बच्चा, एंड वी आर लाइक फैमिली। मतलब ऐसे नहीं कि आई एम नॉट वेरी क्लोज टू माई रिलेटिव एंड आर नो बडी, आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली। एंड माई ब्रदर गौतम कपूर, ही वर्क्स विद माई डैड। माई यंगर ब्रदर दीपक कपूर, ही ऑल्सो वर्क्स विद माई डैड, एंड वी हैव गॉट अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। शरद, जब आपने मुंबई आकर फिल्मों में काम करने का फैसला किया तो आपके फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन क्या था? हमारे फैमिली में बहुत एक प्लस पॉइंट थी कि कोई किसी को कभी, मतलब ठीक है आप बॉम्बे जा रहे हैं लेकिन कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, किसके पास जा रहे हैं, कुछ डेफिनेट कुछ बता के जाइए आप। बट बोला मेरे को डेफिनेट पता ही नहीं मैं कुछ कहाँ क्या करने वाला हूँ वहाँ पे। सो बट दे सपोर्टेड मी वेरी वेल। कभी भी पैसे की ज़रूरत होती थी तो हमेशा फ़ोन करके बता देते थे कि आज पैसे की ज़रूरत है, तो 10-15 पैसे आ जाते थे। मतलब आई डेंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक नॉर्मल जो मेरा खर्चा होता था महीने का 2-3 हज़ार रुपये हम लोग भेज देते थे मेरे। आपका बचपन कलकत्ता में बीता, कैसी हैं उन दिनों की यादें, कलकत्ता की यादें? पूरा बचपना, स्कूल, एवरीथिंग इन कलकत्ता, एंड आई रियली लाइक दैट प्लेस, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम बॉर्न इन कलकत्ता, बिकॉज वहाँ के आदमियों की एक चीज़ बहुत अच्छा है, दे आर वेरी केयरिंग। जैसे हमारे हमारे यहाँ फैमिली के, जैसे हमारे घर के बाजू में किसी को प्रॉब्लम हो गया तो पूरा मोहल्ला आपके पास आ जाएगा। दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट इन कलकत्ता, जो यहाँ पे या कई अन्य शहरों में, जैसे मैं अब्रॉड गया था अपने दोस्तों के पास, तो उनके उनके जो नेबर्स हैं उनका पता, नाम अता पता कुछ उनको पता ही नहीं, मतलब कि वो घर पे कब आते हैं, घर से कब जाते हैं। सो दैट आई मिस इन बॉम्बे। बट कलकत्ता लाइक शाम को आप निकलेंगे तो कम से कम 20-25 दोस्त आपके रहेंगे, कुछ बाहर के भी आ जाते हैं। इट्स अ वेरी केयरिंग एंड अ लविंग प्लेस कलकत्ता, एंड द पीपल आर वेरी हम्बल ओवर देयर। शरद, हम बचपन की बात कर रहे हैं, आपको कुछ याद है कि बचपन में आपने पहली फिल्म कौन सी देखी थी? बचपन में तो मैं, मेरा स्कूल था फ्रॉम 8 इन द मॉर्निंग टिल 1:20 द आफ्टरनून, तो बहुत फिल्मों देखने का शौक था। और मेरे को क्लास, जो मेरी टीचर्स थी जो ट्यूशन लेती थी, वो उसको पता था मैं पिक्चर देखने आता, तो वो मेरे को हाजिरी बुलाती थी, और वहाँ पिक्चर शुरू होती 2 बजे और हाजिरी होती थी 3:30 बजे, तो आप वो इंटरवल टाइम होता था, और मैं 2 के शो में जाता था और इंटरवल में भाग के आ जाता था और आके हाजिरी देता था। मतलब तो पिक्चर से वापस आने 1/2 घंटा लगता था, फिर हाजिरी देके 4:30 वापस जाके पिक्चर ख़त्म हो जाती है। तो प्लान करता था कि नेक्स्ट डे फिर 3 बजे चला जाता था हाजिरी देने के लिए, जो भी हाजिरी वाजिरी होकर फिर नेक्स्ट डे सेकेंड शो जाता था, मतलब इंटरवल के बाद जाता था पिक्चर देखने। आज टू लाइक एवरी फिल्म, आज टू गो फॉर एवरी फिल्म, कोई भी एक्टर हो, कोई भी एक्टर, आई डिडंट केयर अबाउट दैट फिल्म, बट आज टू गो एवरी फिल्म, आज टू सी। शरद, आपने हिंदी फिल्मों में काम करने के बारे में फैसला कब किया, कितनी मुश्किलें आपके सामने आईं, आपको पहला ब्रेक कैसे मिला, ये सब हमें बता दीजिए। टू वेरी फ्रैंक, जब मैं कलकत्ता में था तो मैं सोचता था कि जो भी स्क्रीन पे आते हैं वो 100 फीट के होंगे, या जो स्क्रीन पर उनका ऐसा इंप्रेशन दिया जाता था। सो जब 1986 में होप 86 हुआ था कलकत्ता में, तो तब मैंने सब एक्टर को देखा था, तो तब से अंदर के मेरे को भी एक्टर बनना है कि इतने ऑडियंस उसके पीछे जा रहे हैं, 1 लाख पब्लिक, मतलब आप अगर सामने जाओ तो पुलिस आपको डंडा मारती थी। तो तब से शुरू हो गया था शुरू में, देन स्लोली स्लोली प्लान करा था कब बॉम्बे आऊँ, क्या करूँ, ये करूँ, देन फाइनली केम इन 1993, वॉज हेयर फॉर 6 मंथ, अगेन आई वेंट बैक। फिर 94 में वापस आने के बाद सोचा कि अब कुछ करूँगा, नहीं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। 94 में एंड में आई गॉट अ ब्रेक इन अ सीरियल कॉल स्वाभिमान, हैड अ वेरी स्मॉल रोल इन दैट सीरियल, देन आई गॉट चाहत और नफरत, देन आई गॉट आँखें मिला मुझे DD2 पे। द डायरेक्टर वॉज वेरी स्वीट टू मी, मिस्टर राजेश वनशिंगे, एंड द प्रोड्यूसर अभिमन्यु आदित्य। उसके बाद लकीली मुझे तमन्ना मिल गई, भट्ट साहब ने मुझे देखा और बुलाया कि तुम ये रोल करना चाहोगे, मैं बोला सर ऑफ कोर्स करना चाहूँगा। देन द करियर स्टार्टेड, जो भी था अच्छा बुरा किया मैंने।